हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस मैंने बढ़िया चल रहा है तुम बताओ सौरभ पिछला काफी धमाकेदार एपिसोड हम लोगों ने किया था उसके बाद तो मैंने वो अंबेडकर का जो स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन वाला मैनिफेस्टो है वो भी जाके पढ़ा बहुत ही बढ़िया मैनिफेस्टो है ऐसा मैनिफेस्टो आप किसी भी पोलिटिकल पार्टी का नहीं देखेंगे हाँ हाँ नहीं मैंने भी मैंने उनकी बुक में उसका जिक्र था तो तब भी देखा ही था मतलब उनका मतलब अंबेडकर थोड़ा अलग लेवल की चीज भी था ना मतलब क्या बोला हाँ तो मतलब बहुत बहुत ही मजेदार था सबसे बढ़िया बात है अंबेडकर सबको गुस्सा कर देता है मतलब उनका थिंकिंग बहुत अलग रहता है और दूसरी बात हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि हर Uh, हर आर्ग्यूमेंट का वो एक कारण बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं तो आपको पता लगता है कि वो अगर एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कुछ बोल रहे हैं तो क्यों कुछ बोल रहे हैं वो साफ झलकती है बात बिल्कुल बिल्कुल एक आर्ग्यूमेंट की एक ट्रेन रहती है और और एक उनका गुस्सा तो है कि एक वो एक एंग्री यंग मैन उस समय तो वैसे काफी बुजुर्ग थे पर फिर भी उनमें वो आई थिंक हमेशा एक एंग्री यंग मैन वाली जो चीज है और गांधी ने बोला भी था ना कि he has much to be angry about. उनको गुस्सा काफी जायज है हुँ, हुँ. तो ये तो मतलब गुस्सा उनका जायज था और उनको वो बहुत अच्छी चीज थी, थी ना लेकिन उन्होंने गुस्सा जो है वो चैनलाइज करते थे इन लॉजिकल आर्गुमेंट्स एंड रीजनिंग एंड परसुएशन ये नहीं की बस लड़ाई झगड़ा कर लिया हाँ. हाँ। वैसे अब वापस हम लोग अम्बेडकर फैनगिरी में घुस जाएंगे तो उससे हुँ. पहले हम हुँ. लोग एक चर्चा करते हैं जो उस एपिसोड से जुड़ी हुई है तो हम लोगों ने बात की सौरभ चंद्रभान प्रसाद से और एक मुद्दा था कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनका क्या रोल होना चाहिए और उन्होंने कहा कि सरकारी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए और एक रोल है पीएसयू का तो ये बात थोड़ी खटकती है मुझे तो खटकती है क्योंकि पीएसयू हमको पता है कैसे काम करते हैं हम लोगों ने अमोल अग्रवाल के साथ एपिसोड किया था हम लोगों को पता भी है बैंक्स ने कितना कुछ कितना पैसा डाला है हमने और उसके नतीजे क्या है वो पता ही है क्रेडिट फिर भी नहीं मिलता जिसको तो इन सब इन सब मुद्दों को देखते हुए आपके पास एक सुझाव था कि कैसे पीएसयू को मैनेज किया जाए तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं बिल्कुल तो मीन I mean, एक तो चीज ठीक है कि सरकार अगर बिजनेस मेरे को भी लगता है कि अगर चॉइस है कि चलाए या ना चलाए तो नहीं चलाना चाहिए ठीक है मतलब अभी हम यहाँ कर्नाटका में देखते हैं मतलब माइसूर सैंडल्स सोप मतलब सरकार जो है साबुन बना रही है मतलब क्या साबुन बना रहे थे ठीक है तो ये सब सरकारी और उसकी जो है कितनी उसमें क्या क्या उसका ओवरहेड होगा उसके ऊपर सरकार बाकी चीजें क्या नहीं कर रही होगी ये चीजों करने की वजह से तो एक जो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये भी हम भूल जाते हैं तो तो ये मेरे ख्याल से सरकार एक तो काफी और कुछ चीजें हैं शायद जहाँ पे सरकार का रोल है जैसे मे बी न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया है वो इम्पोर्टेंट चीज है शायद चलानी है सरकार को या जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चला रही है ठीक है मतलब अमेरिका में तो वो भी नहीं चलाती है सभी कुछ प्राइवेटाइज होता है कुछ चीजें अगर आप करना चाहते हैं मुझे लगता है कि कहीं आप शायद ढूंढ जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है अगर क्या कह कहते हैं वैसी कंपनी सरकार चलाने जाती है क्योंकि शायद वहां पे प्रॉफिट अगर सिर्फ देखा जाए तो मुश्किल है पर मुझे लगता है ठीक से अगर सोचे तो हर चीज का हल है हुँ. भाई सरकार शायद बॉर्डर रोड्स के लिए भी भाई आप ठीक से पैसा दो ना फिर तो प्राइवेट कंपनीज भी कूद कूद के जाके आपके लिए बनाएंगे ऐसा क्यों नहीं बनाएंगे हुँ। हुँ। तो एक मुझे लगता है एक शायद ये थिंकिंग हमारी 50s में डेवलप हुई जब इंडिया में इतना कैपिटल था ही नहीं कि नई कंपनीज बन सके और उस अभाव में सरकार को लगता था कि अगर हमने छोड़ दिया तो ये बहुत बड़े गैप रह जाएंगे और हमको इम्पोर्टेंट ये चाहिए इतने ना इन्वेस्टर हैं इंडिया में ना इतने आंट्रप्रिनर हैं इतने पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे इंडिया तो सरकार को लगा हमें करना चाहिए तो मैं ठीक है बोल सकते हैं कि शायद वहाँ पे कभी कुछ जायज होगा उस जमाने में पचा, पचास वगैरह में जब शायद इंडिया का लिटरेसी रेट ही शायद बीस पच्चीस परसेंट था या तीस परसेंट था पर आज की डेट में जहाँ पे हमारे पास में प्राइवेट पैसा भी अवेलेबल है पढ़े लिखे लोग भी अवेलेबल हैं मैनेजर्स अवेलेबल हैं इनफैक्ट लोग कंट्री छोड़ छोड़ के बाहर जाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो अब तो मेरे ख्याल से वो आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया तो ये पहली बात दूसरी चीज ये लेकिन कि अब लेकिन सच्चाई ये कि इतनी सारी है पीएसयू और उनका एक रोल भी बन गया है सोसाइटी में तो अचानक से उनको निकाल नहीं सकते मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल सिचुएशन अभी कंट्री की ये है कि निकालने जाओगे तो बहुत I mean, तो एक ये भी हमको सोचना चाहिए जो तो नई बनाने पर तो साल में कोई पचास नई पीएसयू बनी इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला खत्म हो गया है अभी मोदी जी ने बहुत बोला है कि नहीं बननी चाहिए तो अभी पिछले पांच सात साल में क्यों बनाई थी पचास नई पीएस ठीक है तो तो ये कहीं कहीं पे मतलब बोलने को कुछ और है और करने को कुछ और चलता रहता है कभी भी मौका लगता है तो कम एक एक नई नई कंपनी बना देते हैं लोग हुँ. ठीक है और और फिर उसमें एक नया बाबू गिरी बा, वो बोलते हैं लेकिन सीईओ किसी आई ऑफिसर को ही बनना होता है क्यों तो तो मुझे लगता है कि जो पीएसयू है उसमें एक प्रोफेशनलाइजेशन कर देना चाहिए उसको कॉर्पोरेट एटलीस्ट एज अ कॉर्पोरेट चलाना चाहिए तो हर पीएसयू का एक रोडमैप होना चाहिए और मुझे लगता है वो हर, किया जा सकता है और सबके फेवर में पहला तो बोलना चाहिए कि उसको ठीक से एक कॉर्पोरेट की तरह चलाओ मिनिस्ट्री के महकमे की तरह मत चलाओ दूसरा हर पीएसयू को आईपीओ करवा के पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनाओ ताकि उसमें लोगों का पब्लिक का शेयर हो और फिर बहुत लोगों की साझेदारी हो जाए कि ये कंपनी अच्छे से चले एक तो एकदम प्राइवेट है कंपनी के अंदर है उसके उसके ऊपर कोई स्क्रूटनी नहीं है एक पब्लिक कंपनी होने पर लोगों के शेयर होते हैं तो कंपनी में स्क्रूटनी बढ़ जाती है तो अपने आप एक दबाव रहता है कि कंपनी अच्छे से चले और तीसरी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ना ही आईपीओ करना चाहिए कंपनी के हर एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन देना चाहिए मतलब कम... आप आप बोल रहे हैं आईपीओ भी करो और आईपीओ के बाद आ, कुछ शेयर्स एम्प्लॉज को दो ऐसा हाँ पहले आईपीओ से पहले दो ताकि सारे एम्प्लॉय बोले कि आईपीओ होना चाहिए क्योंकि सबको फायदा होगा और उसके बाद हर साल सबकी सैलरी का पार्ट होना चाहिए कि आपको कुछ स्टॉक भी मिलेगा सैलरी कम मत करो किसी की हुँ. लेकिन थोड़ा सैलरी में इनफैक्ट एक इंसेंटिव दो कि भाई हर हर साल आपको थोड़ा स्टॉक भी मिलेगा अब जो स्टॉक मिलेगा वो तो मिलेगा लेकिन अब फिर सबका एक इंसेंटिव बन जाता है कि स्टॉक की प्राइस जितनी अच्छी होगी उनको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे नहीं। नहीं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ऐसा करती हैं मैं जितनी इतनी प्राइवेट कंपनीज को जानता हूँ जो कि अपने एम्प्लॉयज को जो पब्लिकली लिस्टेड है ऐसा नहीं किसी स्टार्टअप स्टॉक्स देती हैं बड़ी बड़ी प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज जो है अपने हर एम्प्लॉय के लिए हर एक के लिए वो नहीं करते हैं। यूजली अच्छे एम्प्लॉयज के लिए करते हैं लेकिन हम ई e देते हैं और वो एकदम ईसॉप जैसे नहीं होते प्रणय एक के

हर एम्प्लॉ सिर्फ यही नहीं सोच रहा है कि इसमें सिर्फ मैं अपनी पगार ले लूं वो ये सोचेगा अरे कंपनी अच्छा करेगी तो मेरे भी पैसे बनेगी इवन hmm, hmm. सिर्फ वो एम्प्लॉय नहीं सोचेंगे रिटायर्ड भी सोचेंगे कि मैं अपनी कंप, ये कंपनी से मेरे को इतने क्योंकि आप जब आपके पास ओवर द काफी स्टॉक इकट्ठा हो जाता है कंपनी में hmm. तो फिर वो सोचेंगे कि भाई ये कंपनी का स्टॉक अच्छा जाए तो हमारे लिए तो एक आप काफी सारा प्रेशर बना देते हैं कंपनी पे और काफी सारे स्टेक होल्डर बना देते हैं कंपनी के लिए जो सब चाहते हैं कि ये कंपनी अच्छा करे कोई एक आदमी आके कंपनी में घुन नहीं लगा सकता फिर क्योंकि उससे बहुत लोगों का आसपास नुकसान हो रहा है है पर अब अब आ जाती है जो मुश्किल बात इसमें लेकिन हुँ। अब सरकार का उद्देश्य क्या है पीएसयू से उसके ऊपर ये सब निर्भर करता है अब अ, मतलब हम लोगों को तो इकोनॉमिक रीजनिंग से हम लोग कह सकते हैं कि जितने कम बिजनेस में सरकार रहे उतना अच्छा है और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पब्लिक फंड्स हमने डिस्कस किया था कि सरकार एक पैसा अगर आ, 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 इन्वेस्ट करती है या टैक्स लगाती है उसका अः समाज पे तीन रुपए कीमत पड़ती है उसकी है ना तो मतलब इतना इफेक्टिव रुपए की तीन रुपए कीमत है हाँ लागत इतनी ज्यादा रहती है तो ठीक है वो बात तो है लेकिन अब हम लोग अगर कह रहे हैं कि सरकार ये सब कर दे जैसे लोगों को स्टॉक एक्सप्राइ एम्प्लॉइज को ईसॉप e दे दे और पब्लिक कर दे तो सरकार का तो इस इस पीएसयू से पूरा कंट्रोल हट जाएगा नहीं नहीं हटना चाहिए मेरे हिसाब से कैसे तो हो? तो सरकार फिर भी सबसे बड़ी शेयर होल्डर होगी पीएसयू में बोर्ड तो कंट्रोल करेगी ना तो कॉर्पोरेटाइज होने का ये मतलब नहीं है कि सरकार का कंट्रोल चला जाए मेरे ख्याल से उससे भी लोगों को आपत्ति है तो मेरे को लगता है कि सरकार को बोलना चाहिए कि हम मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट रखेंगे तो उनका स्टॉक उनका बोर्ड पे कंट्रोल तो रहेगा ही तो वो जो मेजर डिसीजन हैं वो ले ही सकते हैं जैसे डिविडेंड कितना इश्यू करना है जो कि उनको चाहिए होता है अक्सर ऊपर नीचे पैसा करने के लिए तो ठीक है अभी और डिविडेंड से मेरे ख्याल से लोग हल्ला भी नहीं मचाएंगे क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर्स को भी तो मिलेगा तो जब डिविडेंड इशू किया जाएगा सरकार को अपनी शेयर होल्डिंग के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा बाकी बाकी डिविडेंड जो शेयर होल्डर है उनमें बटेगा इंक्लूडिंग एम्प्लॉज तो इम्प्लॉज भी खुश जनता भी खुश जो उस पी में इन्वॉल्व है और मेरे ख्याल से सरकार अपने ऑब्जेक्टिव्स भी मीट कर सकती है थोड़ा सरकार पे पुल रहेगा कि तुम इसको खोखला मत करो फालतू के काम मत करो पैसा वेस्ट मत करो तो वो अच्छा प्रेशर है ना थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा कर पर फिर भी अगर इक्यावन प्रतिशत शेयर होल्डिंग सरकार का है तो वो पीएसयू जैसे अभी चल रही है वैसे ही चलने की फिर भी ज्यादा संभावना है ना नहीं मैं मैं ये कह रहा हूँ जैसी अभी चल रही है उससे थोड़ी बेहतर मैं कह रहा हूँ जो, जो यथास्थिति है उससे हम बेहतर कैसे हो सके ठीक है तो ये तो नहीं है सबसे अच्छा तो है कि सरकार ना करे बिजनेस वो तो कोई हुँ. तो मैं कहता हूँ आगे से और करना बंद कर दो लेकिन अभी जो है ऑलरेडी मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल शायद नहीं है इतना कि आप उन सबको प्राइवेटाइज वगैरह करेंगे और मेरे ख्याल से एकदम डिस्करप्शन भी हो जाता है क्योंकि वो इतने साल से हैं तो उन वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ऐसा नहीं, नहीं है कि आप अचानक से हटाएंगे तो सीधा फायदा ही होगा हो सकता है कुछ साल के लिए नुकसान होगा फिर फायदा होगा और आप हर जगह कंट्रोल भी नहीं कर सकते क्योंकि डिसरप्शन का मतलब होता है कि कहीं अच्छी चीज निकलेगी कहीं कुछ खराब भी निकल सकती आई मीन I mean, करना मुश्किल है तो मैं कहूंगा ये एक इंक्रीमेंटल स्टेप है नया प्रॉब्लम बंद कर दो करना पहले प्रॉब्लम को बढ़ाओ मत और जो एग्जिस्टिंग है उसको थोड़ा बेहतर बनाते जाओ और ये एक पाथ है यूजली इसमें इसमें ये जैसे हम बोलते हैं ना पॉलिसी में एक हमेशा अच्छी चीज रहती है स्विच की जगह रेगुलेटर होना चाहिए है ना तो ये बहुत अच्छी रेगुलेटर जैसी चीज है अगर कल को हमको लगता है कि ये कंपनियां अच्छी चल रही हैं और दुनिया हमारा मूड बनता है सरकार धीरे धीरे करके अपनी परसेंटेज कम घटाती जा सकती है हुँ, हुँ, है ना और पूरा प्राइवेटाइज कर सकती है जहां चाहे तो नहीं कर सकती है हुँ, तो हुँ, आपने एक स्विच की जगह एक रेगुलेटर वाली पॉलिसी बना दी यहाँ पे हुँ, हुँ, है ना जिसकी गति को आप धीमा तेज कर सकते है हाँ वो तो है आ, ये वही बात फिर यही आ जाती है कि इसका जैसे डाइवेस्टमेंट का की बात ले ले डाइवेस्टमेंट का उद्देश्य क्या होगा होना चाहिए तो जैसे दो तीन तरीके से लोग सोचते हैं इसके बारे में एक सोच यह है कि जो बिजनेस सरकार ढंग से नहीं चला सकती उसे बेच दीजिए मतलब फिर लोग बोलते हैं कि ठीक है जैसे है जैसे एयर इंडिया हर दिन हम लोग 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं आपको पता है ये हर दिन सब भारत की जनता 20 करोड़ दे रही है एयर इंडिया को चलाने के लिए तो आ, ये लॉजिक रहता है कि सिर्फ वो बिजनेस बेच दिया जाए जो सरकार अभी ठीक नहीं कर रही है तो ये एक पॉइंट है दूसरा ये है कि एक्चुअली सरकार को इसलिए बेचना चाहिए क्योंकि फिर पैसे कमा सकते हैं क्योंकि इतना कितना लैंड है अच्छी अच्छी जगहों पर है वो सब पैसा क्यों ना सरकार अब अपने को, और अभी तो तंगी चल रही है सरकार के लिए तो क्यों ना बेच के उससे पैसा कमा, कमा रहे हैं। तीसरा लॉजिक है कि सिर्फ सरकार को वो करना चाहिए जो सरकार को करना चाहिए मतलब सरकार जिसके लायक है तो जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है वो उसमें सब कुछ बेच दिए और बाकी जो स्ट्रेटेजिक है उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं मतलब लगेंगे ही रेयर के लिए शायद कुछ लगेगा या फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज तो लगेंगी सरकार की तो वो तो कोई कह भी नहीं रहा है कि बेच दें तो ये तीन टाइप की थिंकिंग है आ, आपको कुछ चौथी थिंकिंग लगती है या इन तीनों में से कौन सी से, से आप सहमत ज्यादा है मुझे लगता है इसमें लोग ये तो बहुत ही इकोनॉमिकल थिंकिंग हो गई ठीक है अभी मुझे लगता है एक पॉलिटिकल थिंकिंग भी इसमें दिमाग लगा के रखना चाहिए ठीक है हुँ. और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल थिंकिंग हम मिस करते हैं जो कि चंद्रमान जी ने मेंशन भी करी थी कि सारी पीएसयूज में रिजर्वेशन है ठीक है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव निभाती है सबकी सब ना ही रिजर्वेशन ना ना ही रिजर्वेशन रिजर्वेशन वो और भी काम करती है जिस एरियाज में रहती है वहां स्कूल चलाती है कॉलेजेस चलाते हैं हॉस्पिटल्स चलाते हैं तो काफी बड़ा सोशल इंपैक्ट है इन सब पीएसयूज का छोटा मोटा इंपैक्ट नहीं है ठीक है तो और और अभी हम इस बारे में शायद चर्चा भी करेंगे इस एपिसोड में ही लेकिन जैसे ही आप ये हटाएंगे मांग प्राइवेट कंपनी से इन सब चीजों की बढ़ जाएगी आज की डेट में कोई नहीं आज की डेट में बीच बीच में लोग मांग उठाते हैं कि प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन करना चाहिए लेकिन एक तरीके का बैलेंस है सोसाइटी में जो ज्यादातर दलित एक्टिविस्ट है वो कहते हैं ठीक है जो ये है ये ठीक है ये काफी है हमारे लिए हाँ लेकिन इसको तुम लोगे तो फिर हम बाकी और कुछ मांगेंगे हाँ ये सिर्फ मतलब ये अब रेजर्वेशन तो हर कास्ट और हर ग्रुप मांग रहा है हर तो ग्रुप तो मांग रहा है हाँ। तो और ये एक बार शुरू हो तो ऐसे खत्म नहीं होती तो ये नहीं सोचे तो उसके बाद क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल अच्छा है तो हम एक ये छोटा से बेनिफिट के लिए कि हम जो है एयर इंडिया के बीस करोड़ बचाने के लिए कल को बीस लाख करोड़ का नुकसान तो नहीं करने वाले ऐसा भी सोचना चाहिए हुँ, हुँ। तो एक, मेरे एक है, पर एक पॉलिटिकल समझ भी रखनी चाहिए इन चीजों की तो वही फिर तो बात इसी में आ जाती है कि शायद पी का मकसद और कुछ है और ये, मकसद ये, ये नहीं है नहीं और मैं कहूंगा कि शायद जैसा हमने अक्सर देखा है सरकार के तो मकसद बड़े मुश्किल है ढूंढना वो हर चीज मल्टी ऑब्जेक्टिव हो जाती है ना तो बहुमकदी जिसको बोलना चाहिए तो कोई एक मकसद हो तो आसान भी और होना वैसा चाहिए लेकिन हमने हर जगह देखा है तो एक ये सोशल ऑब्जेक्टिव भी है दूसरा हमने जो देखा है कि पिछले एपिसोड्स में कि सरकार जो इतना सारा डिविडेंड लेती है इतने कैश रिच पीएसयू से वो भी है उनका एक मकसद है उनको वो ऑफ बैलेंस शीट अकाउंटिंग के लिए यूज करती है वो भी उनका मकसद है कुछ जगहों पे वो उनको बाकी स्ट्रेटेजिक चीजों के लिए भी यूज करती है जैसे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए जैसे ओएनजीसी विदेश वगैरह है है ना उनको भी तो यूज करती है ना वो तो बहुत सारे मकसद है उनमें तो तो मैं बोलूंगा कि ठीक है मतलब पीएसयू एक तरीके का स्टेट ऑपरेटर्स है वो उनको अपने हमारी सरकार के ही जब इतने सारे मकसद हैं तो उन सब मकसदों के लिए उनका यूज ठीक है तो ये और और इसलिए मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है क्वेश्चन इनरेलीवेंट हो जाएगा हिंदुस्तान की इकोनॉमी देखो बढ़ती जा रही है ठीक है अगर हम अपने पीएसयू नए बनाना बंद कर दें तो एज ए परसेंटेज टर्म वो इतने छोटे रह जाएंगे कि क्यों हम आई I मीन mean, हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहिए हाँ, हाँ नहीं वो तो मैं आपसे सहमत हूं पर यही बात है कि अगर सरकार खुद अंपायर भी है और प्लेयर भी है तो हाँ, वो सेक्टर की वाट लग जाती है और हाँ, वो हमने हाँ, बार बार देखा है वो ठीक ठीक बात तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉर्पोरेटाइज कर दो ताकि थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड बने मिनिस्ट्रीज के कर... तो मिनिस्ट्रीज को रेगुलेटर होना चाहिए कंपनीज को प्लेयर होना चाहिए और वो ठीक है कि थोड़ा सा उसमें फिर भी आई I मीन mean, आप बोलोगे कंट्रोलिंग ओनरशिप वगैरह है ही पर मेरे हिसाब से अगर वो कॉर्पोरेट एंटिटी के तौर पे चले पब्लिकली लिस्टेड होगी तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और मैं कहूंगा जो भी अभी हमें प्रॉब्लम दिख रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी मैं ये नहीं कहता और और जो हम वैल्यू अनलॉक की बात कर रहे हैं वो भी मिलेगी सरकार सौ पूरा पैसा नहीं बनाएगी लेकिन कम से कम आधी वैल्यू तो अनलॉक कर सकती है ना ही, ही, और कंपनी अगर अच्छी चलेंगी तो फ्यूचर में वो बढ़ता ही जाएगा और वो एसेट है वो एसेट को अलग तरह से भी मोनिटाइज कर सकती है क्योंकि फाइनली बैलेंस शीट में तो एसेट दिखता है ना अगर आप इतनी अच्छी अगर आप अच्छी कंपनीज में इक्विटी रखे हुए हो तो वो आपकी बैलेंस शीट में आएगी ना तो कंपनी अच्छी चले ये तो इम्पोर्टेंट है और फिर पब्लिक कंपनी होगी तो अच्छी चलने का प्रेशर भी बढ़ेगा हम्म ठीक है तो आ, इस चर्चा से मेरे पास एक दो और सॉल्यूशन है इन सबको जोड़ते हुए ठीक है हुँ, हुँ, सब पहले तो उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि अभी सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है पर वो और सब ऑप्टिमल हो रहा है जैसे सरकार अब पिछले पांच छह साल का डाटा मैं लिंक करूंगा इस एपिसोड में रेणुका सा, साने हैं वो एक इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है तो उन्होंने ये देखा कि पिछले पांच छह साल में बहुत डिस इन्वेस्टमेंट हुई है जो भी हुई है वो एल की तरह को हुई है तो सरकार ने कुछ आ, स्टेक्स सेल किया है और वो एल को गया एल खुद सरकार की कंपनी है तो ये तो तो उस तरीके से हो रहा है है जो कि नहीं होना चाहिए ठीक तो उससे हमें थोड़ा सावधान रहना है दूसरा मुझे फिर ऐसे लगता है सौरभ कि पहले सरकार ये डिटरमिन करे कि कौन से उनके एकदम कोर स्ट्रेटेजिक सेक्टर है ठीक है सबसे पहले तो ये और वो पांच छह से ज्यादा तो होंगे ही नहीं मतलब ब्रॉड सेक्टर्स जो हैं शायद इलेक्ट्रिसिटी uh, और फिर डिफेंस वगैरह वगैरह मतलब दस होंगे मान लीजिए वो एक तो डिटरमिन करे उसके बाद जो भी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स वाली कंपनी है सब में ये रूल लागू कर दे जो आपने कहा है कि इक्यावन प्रतिशत गवर्नमेंट ओनरशिप होगी और बाकी सब या तो एक थोड़ा आईपीओ होगा और थोड़ा ईसॉप की तरीके से जाएगा तीसरा उन सरकार ये भी कमिटमेंट करे कि ये ये जो सेक्टर थे अगर ये ओपन नहीं है प्राइवेट कंपटीशन के लिए तो उसे ओपन कर दिया जाए बिल्कुल तो अभी आ, ऐसा कोई बचा है क्या अभी इन सब में सह, जैसे रेयर अर्थ का मैं उदाहरण दे सकता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ अटोमिक एनर्जी चलाता है भारत का रेयर अर्थ क्या आपको पता था क्योंकि मोनोसाइड सैंड्स में थोड़ा रेडियो मटेरियल्स भी है।, है पर अब हाँ। तो पुरानी बात हो गई ना मतलब हुँ। अभी हुँ। तो रेर से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की कम, के बारे में इतना हम लोगों ने चर्चा की दिल्कुल, थी सो तो, नियोडाइमियम चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए वगैरह वगैरह तो उनका फोकस ही नहीं है वो और एक ही कंपनी है आई एल जो की डीएई के अंतर्गत आती है और वही कर सकती है ये सब काम तो ऐसा क्यों है, है हम लोग दिल्कुर, आ, दिल्कुर। तो इस तरीके से है और भी सेक्टर्स हैं सेक्टर्स जहां से हैं, पर है। आ, सरकार का ही रोल है इलेक्ट्रिसिटी भी ना इलेक्ट्रिसिटी में ओपन और कर सकते हैं तो जैसे रेलवे रेलवे तो बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें ओपन किया जा सकता है और वो चल रही है बात तो तो इस ये अगर ऐसा एक वर्क प्लान हो तो आपको क्या लगता है इसके बारे में हाँ बहुत बहुत बढ़िया है मतलब पता नहीं हमारी बात कौन सुन रहा है पर हाँ, लेकिन प्लान तो हम अच्छे ही बनाते हैं हाँ, हाँ, है, चलो एक मुद्दा हाँ, ने सॉल्व कर दिया हमने देख देखो सुलझा के लगा दिया साइड में वही है इसके बहुत सारे मतलब इफेक्ट्स तो हो सकते हैं यही है कि सरकार फिर भी है अब हम लोग थोड़ा जैसे मैं कहता हूँ ना एंटिसिपेट कर सकते हैं अनइंटेंडेड इफेक्ट्स को उसको हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे सोचना पड़ेगा उसमें मैंने कभी सोचा नहीं ठीक है पर एक चीज ये है कि सरकार ये भी बोल सकती है कि यार इक्यावन प्रतिशत है प्राइवेट प्लेयर्स हैं पर फिर भी रूल रूल्स ऐसे बनाए जा सकते हैं कि जो छोटी कंपनी है प्राइवेट कंपनीज उनको और छोटा कर दिया जाए और उनको नजरअंदाज साइड कर दिया जाए तो वो हो सकता है तो मतलब इन सब के बाद भी ठीक से रेगुलेशन करना ठीक से आ, लोगों को ये इंश्योर करना कि कंपनीज रूल्स के तहत जाएं वो तो जरूरी रहेगा ही फिर भी हम्म मुझे लगता है कि हमारे हमारे यहाँ तो इनफैक्ट उल्टा होता है प्रणय मतलब सरकार में इतनी बिजनेस सेंस होती नहीं है कि वो बाकी लोगों को बिजनेस की पटकी दे सके इनफैक्ट उल्टा होता है जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे वो देखेगी कि ये भोंदू सरकारी कंपनी है हम इसको कैसे खोखला कर दें हा, हा, ठीक है क्योंकि वहां पे वो अगर खासकर सरकार का कंट्रोल है तो करप्शन के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू वो लोग वहां पर उनको बोलेंगे कि तुम छोड़ दो यहाँ गैस है पर बताना मत यहाँ रेयर अर्थ है ढूंढ लेना पर मेरे को बता देना तुम मत लेना मतलब ये सब तो हिंदुस्तान में हमने देखे हुए ना हो चुकी है चीजें तो ये सब मुझे लगता है उल्टा ज्यादा होता है सरकार पे तो मुझे कोई मतलब सरकार अगर इतनी तेज बिजनेस हो, होती बिजनेस में कि वो बाकी लोगों को छोटा कर दे खुद को बड़ा करने के लिए तो क्या बात थी अभी सारे पी अच्छे चल रहे हम्म नहीं नहीं पर वही है ना उसको बिजनेस करना नहीं आता पर उसको डंडा मारना आता है ना और हाँ, डंडा उनके ही हाथ हाँ, हाँ, में तो वो डंडा है। किसी भी तरीके से चला सकते हैं वो तो ठीक बात है वो आजकल तो एक ही डंडा है उनके ऊपर टैक्स लगा देगी और फिर कहेगी अब मैं तुमको कोर्ट कचहरी में फंसा दूंगा हाँ हाँ वो एक्सपर्ट है तो ठीक है तो ये एक अच्छा सुझाव है सौरभ और इस तरीके से शायद एक और चीज हम लोगों ने नहीं देखी कि जब भी, भी डिस इन्वेस्टमेंट होता है जैसे सरकार ने इस बजट में बहुत बोला है कि हम लोग अलाना फलाना डिसइनवेस्ट कर देंगे पर जब सच्चाई आएगी सामने तो एक तो यूनियन प्रोटेस्ट करेंगे यूनियन प्रोटेस्ट करेंगे तो सब रुक जाएगा फिर वो लोग ऐसे टर्म्स देंगे ये से, सेल करने के लिए कि कोई खरीदेगा ही नहीं जैसे एयर इंडिया कब से हो रहा है ये ना मतलब हाँ। कब से चल रहा है और, और भारतीय रेल में तो मतलब प्राइवेटाइज करने की बात ही नहीं थी थोड़ा सा कॉर्पोरेटाइज करने की बात थी यूनियन ने चार नारेबाजी करी मोदी जी ने वो विवेक देवराय कमेटी खत्म कर दी उसके बाद ठीक है जिसने रिपोर्ट पहली रिपोर्ट 2014 में यही बनी थी कि रेलवे को कैसे हम कॉर्पोरेटाइज करें हुँ, तो मुझे लगता है कि इसीलिए एक ओवरऑल अगर स्ट्रेटेजी हो ना लोगों को एक्चुअली हमेशा सरकार की नियत ठीक नहीं लगती अब तो खैर प्रधानमंत्री ने ऐसा बोल दिया कि अब नियत क्या उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला बोल मुझे लगता है उन्हें क्लियरली बोलना चाहिए कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और हम ये चीजें करेंगे हम पब्लिकली लिस्ट करेंगे एम्प्लॉइज को साझेदारी देंगे और ऐसा करके अगर वो पब्लिकली लिस्ट करेंगे तो लोग भरोसा करेंगे तो भरोसे की भी चीज होनी चाहिए एक, एक जिसको बोलते हैं ना गेम प्लान बता करके लोगों को अपने गेम प्लान में शामिल करना चाहिए अब आप बोलेंगे कि प्राइवेटाइज हम करने ही वाले हैं उसके बाद में आप भले ही सिर्फ डिस कर रहे हो स्टॉक मार्केट में जो की प्राइवेटाइजेशन नहीं है पूरा फिर यूनियन लेकिन इसीलिए डरती है कि अब कल को आप कर देंगे तो आपको वो पहला स्टेप भी नहीं लेने देती थोड़ा एक आप क्लियर आप क्लियर स्ट्रेटेजी बनाइए देखिए हमको लगता है ये ठीक नहीं है आगे से हम और नहीं करेंगे पर जो है उसको छोड़ देंगे तो फिर आपसे लोग नेगोशिएट करने को रेडी होंगे और दूसरा यूनियन में ज्यादातर ही उनको सबको स्टॉक मिल रहा है तो आपने उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे दिया तो ये मुझे लगता है थोड़ा ये इसको थोड़ा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मिलाकर देखना चाहिए ऐसा ये सिर्फ इकोनॉमिक सवाल नहीं है हम्म हम्म ठीक है ठीक है तो इस पर तो चर्चा हुई गई और हमारे लिसनर्स के पास भी और कुछ विचार होगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा हमारे साथ ठीक है भी तो दूसरा मुद्दा सौरभ ये एक आ, मार्स के ऊपर एक नासा का परसीवरेंस स्पेसक्राफ्ट भी लैंड किया रोवर तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप अरे तो ये तो इस हफ्ते की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खबर थी कि भाई हम लोगों ने एक नया रोवर भेजा मार्स में और मैं हम लोग कह रहा हूँ क्योंकि भले यूएस ने या नासा ने भेजा पर मेरे हिसाब से ये इंसानों ने भेजा है ना तो मतलब ये एक सब लोगों के लिए बेसिकली प्राइड का मेरे हिसाब से चीज है और इसमें सबसे खास चीज मेरे को मतलब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये हूँ पहली बार हम एक दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे तो आज तक हम लोगों ने रोवर वगैरह भेजे हैं पहले भी जो सिर्फ जमीन पे चलते हैं पहली बार हम हवा में उड़ेंगे किसी दूसरे ग्रह की हवा में ठीक है तो मार्स का बहुत ही पतला एटमोस्फेयर है पृथ्वी से बहुत ज्यादा पतला तो उस उसपे लेकिन हम एक जिसको अनमव्सली अनमैंड क्योंकि आदमी तो कोई गया नहीं है मार्स पे तो एक अनमैंड तो उससे ऑब्वियसली बहुत दूर तक वो जा सकता है अभी रोवर तो बहुत कम दूर वगैरह जा सकता है तो अब हेलीकॉप्टर काफी दूर जाएगा ऊंचा जाएगा तो दूर दूर की फोटो ले सकता है तो मेरे ख्याल से बहुत मजा आने वाला है अभी जो नई फोटोज वगैरह आएंगी उनको देख के सब लोग सब लोग बोलेंगे कि वाह ये ये क्या चल रहा है तो मेरे ख्याल से ये अच्छी खबर है तो सौरभ ऐसा होगा क्या कि इंसानियत पृथ्वी के परे पहुंच जा, जाएगी और दूसरे ग्रहों पर भी हम लोग रहने लगेंगे तो कोशिश तो यही है मेरे हिसाब से मतलब इलान मस्क तो अकेले ही नासा भी करना ही चाहता है लेकिन अब तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी है इस चीज की और, और और शायद दूसरा इसका पहलू भी रखना चाहिए तो उनका आई मीन मस्क जैसे लोगों का कह ये मानना है कि हम जिसको ये इंजीनियरिंग माइंडसेट रहता है ना सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए जैसा हम बोलते हाँ, हैं ना डिजाइन हाँ। में रिटेंडेंसी होनी चाहिए थोड़ा एलॉन मस्क तो अच्छे इंजीनियर है तो वो इंजीनियर की तरह सोचते हैं कि भाई कोई एक जगह पे चोट लगने से सारा सिस्टम गिर नहीं जाना चाहिए तो अगर सारी इंसानियत एक ही ग्रह पर है और इस ग्रह को कुछ हो गया तो फिर तो गए काम से तो अगर हम ज्यादा ग्रहों पर हैं तो इंसानियत का जो भविष्य है वो ज्यादा सुरक्षित है हम्म दो जगह पर गड़बड़ एक साथ होने के चांसेस कम है जब भले एक जगह पर होने के तो लेकिन अभी बिल गेट्स की नई बुक आई है उसमें उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज किया कि ये सब चीजों में हम क्या टाइम पैसा वेस्ट कर रहे हैं और

सोलर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाए ताकि और सब इलेक्ट्रिसिटी पे लाए ताकि क्लाइमेट जो है और ये धरती के लिए अच्छा हो तो उनका तो ऐसा मानना नहीं है पर ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमको बस अपनी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी कर लेनी चाहिए उसके लिए अगर पृथ्वी का चौपट हो जाए तो कोई बात नहीं और हम बाहर निकल निकलने जरूरत पड़ने पर तो मेरे ख्याल से वो तो खैर ठीक बात नहीं है इनफैक्ट मुझे लगता है उल्टा ही होता है मार्स पे अगर हम रहना चाहेंगे तो वहां पे हमको इतनी कठोर जिंदगी में रहने के लिए टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम अर्थ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाएंगे ठीक है और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो पहली बार आई थिंक मार्स के लिए सॉइल सेंसर बना था वो कुछ ऐसा एक दो मिलियन डॉलर का एक सेंसर बनाया था फाइनली वो ही टेक्नोलॉजी अब हर एग्रीकल्चर फार्म वगैरह में पचास डॉलर के सेंसर की तरह से अब उपलब्ध है अच्छा ठीक है तो ये हम जब भी ऐसे चैलेंजेस लेते हैं जो कि हमको दूसरे ग्रहों में जाकर के एकदम नया टाइप का चैलेंज और उसके लिए कोई ऐसा एकदम वैसा होता है ब्लैंक चेक टाइप का भी पैसे की कोई लिमिट नहीं है बस हमको ये करके दिखाना है और एक मोटिवेशन भी जबरदस्त होता है भैया मार्स पे जाके सॉइल की टेस्टिंग करनी तो अब वो उसकी वजह से आप ऐसी चीज बनाएंगे जो कि और और ऐसी बहुत बड़े लिस्ट है मतलब नासा ने एक पूरा पेज बना के रखा हुआ है जहां पे देख सकते हैं कि स्पेस में जाने की वजह से उसकी अर्थ पे हमने कितनी सारी टेक्नोलॉजी मतलब सब हमारे कितने श्रोता टेफलॉन कुछ क्यों बना था रॉकेट पे जाने के लिए टेफलॉन का इजाद हुआ था ना पर अभी सब लोग उस पर ऑमलेट बना रहे हैं ना ठीक है तो ये मेरे ख्याल से और और दूसरा मेरे को एक बेनिफिट इसका ये लगता है कि जब भी कभी आप ऐसी कोई ऊंची और डिफिकल्ट प्रॉब्लम सोचते हैं करने के लिए तो वो एक यूनिफाइंग चीज है आपको एक करती है और शायद जो हमारी यहाँ पे अर्थ पे क्या कहते हैं छोटी मोटी लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहते हैं वो थोड़े गौण लगने लगते हैं फिर hmm. hmm. हाँ तो थोड़ा दार्शनिक हो गया पर हाँ। ये ये बात है सौरभ और पवन के साथ हम लोगों ने एपिसोड किया था उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि ये थोड़ा एकदम फॉल्स डायकोटोमी जिसे कहते हैं वो है ना कि आ, या अगर हम लोग स्पेस पे नहीं खर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्च कर देंगे और पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हाँ, करेंगे ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक तो इन चीजों पे जितना खर्चा हो रहा है वो ऐसा इतना बड़ा नहीं है कि वो भारत का या विश्व के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, और, बिल्कुल, और 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 हमको सिंगल ट्रैक होना भी नहीं चाहिए ना काफी चीजें करनी चाहिए मतलब क्या पता कल को हर चीज के क्या कुछ कुछ भी कुछ, अलग अलग चीजें निकल के आती हैं तो कोई हम ऐसा तो नहीं है कि एक एक करके करेंगे जब तक ये, तो हाँ, हाँ। ये तो सौरभ पिछले दो तीन सालों में यही है कि प्राइवेट एंटरप्राइज स्पेस में आ गया है दिन और, दिन और ये हिंदुस्तान सब... में भी मतलब बेंगलोर हमारे शहर से ही कितनी सारी कंपनीज आ रही है जो सैटेलाइट सैटेलाइट अभी तो रॉकेट बना रहे हैं भाई जबरदस्त क्रायोजेनिक इंजन एक कभी स्टार्टअप ने बनाया ना सिंगल 3D प्रिंटेड दुनिया का पहला हम्म हम्म क्रायोजेनिक इंजन तो आई मीन जबरदस्त काम हो रहा है मतलब ये सब देख के बहुत मजा आता है हां तो ये बहुत ही मतलब प्रोत्साहन देता है एकदम इंस्पायर करता है आप सबको ठीक है ओके तो ये एक बड़ी बात थी जो पिछले हफ्ते हुई सौरभ वैसे पिछले महीने एक और बात हुई अब ये थोड़ा चेंज करते हैं पर उसमें एक क्या बोलते हैं उसे कंपलसरी फिलंथ्रोपी मतलब अनिवार्य उदारता उसका एक लॉ चेंज हुआ है तो सुनने आप... में कितना अटपटा लगता है ना कि जबरदस्ती उदारता करो हाँ तो जबरदस्त जबरदस्ती मतलब ये तो खैर सौरभ नई बात नहीं, नहीं इसी, है आपको इसी, पता ही ये चीजें ना हिंदी में बोलनी चाहिए तो <laughs> अंग्रेजी में कंपलसरी क्या लगता है ठीक है ना कुछ ना आपको बोले भैया जबरदस्ती दान करना है तो हाँ। लगेगा जबरदस्ती दान ये क्या होता है भाई <laughs> <laughs> तो इसके बारे में सौरभ क्या हुआ कि आपको तो पता ही है कि दो तेरह में लॉ आया था लॉ सोशल जिसके तहत एक कट ऑफ है उसके ऊपर अगर आपका आपकी आमदनी है कंपनी की तो आपको दो प्रतिशत आपके मुनाफे का ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपल्सरी दान करना था ठीक है तो वो तब से शुरुआत हुई तो उसके ऊपर बहुत सारा डेटा आया है अभी कि क्या उसके नतीजे हुए तो एक वो अच्छा। हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और दूसरा अभी सरकार ने हालिया ये लॉ थोड़ा और बदल दिया उन्होंने क्या किया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बढ़ा दिए मतलब सीए वाला जो काम रहता है ना वो और बढ़ा दिया कि तो वो अब टेस्ट करेंगे कि आपका जो सीएसआर मनी है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है आपको करना ठीक से खर्च कर रहे हो आ, और उसके लिए आपको इम्पैक्ट इन्वेस्ट क्या बोलते हैं इम्पैक्ट मॉनिटरिंग वाली कंपनीज़ को हायर करना है अरे बापरे तो फिर आपको वो रिपोर्ट देंगे फिर वो रिपोर्ट बोर्ड वगैरह में प्रेजेंट करनी है तो बेसिकली ऐसे सब डिस्क्लोजर करना है जिससे कि वो कह रहे हैं कि पहले हम बढ़ा दी बेसिकली हाँ. तो कंडीशंस uh, बढ़ा दी और uh, तो वो लॉ चेंज हुआ है। वैसे वो लोग इसको क्रिमिनलाइज भी करना चाहते थे अरे बापरे पर uh, भगवान की दुआ से उन्होंने ऐसा नहीं किया और फाइनल ड्राफ्ट में उन्होंने बोला है कि नहीं हम लोग क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे अच्छा। लेकिन ये सब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सब बढ़ा देंगे और स, आ, आ, आपको करना ही है दान मतलब तो इससे सौरभ बहुत मैंने ये ट्विटर पे डाला कि मतलब ये सरकार ऐसा कह रही है खुद का काम मैं करूंगा नहीं पर मार्केट से जब तू तूने क्यों नहीं किया मेरा काम ऐसा हाँ। दूसरों का काम खुद करे वो ना करे उससे सरकार सरकार बोल रही है मैंने मेरा काम किया नहीं पर तुम दोनों ने मेरा काम क्यों नहीं किया और हाँ। करो अब ठीक <laughs> है तो उससे मैंने जब ये ट्वीट किया सौरभ तीन तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आए तो मुझे अच्छा। तो मुझे लगा वो थोड़ा डिस्कस करना चाहिए ठीक है तो एक तरीके का जो आर्ग्यूमेंट लोग दे रहे थे कि भाई ये सीएसआर क्या है कुछ नहीं है एक टैक्स है जिसका और एक अलग से नाम है ठीक है हुँ, तो हुँ, हुँ, है? करने, करने है तो क्या फर्क पड़ता करना करने दो ठीक है तो ये एक आर्गुमेंट है तो मुझे तो ये, तो ये आर्ग्यूमेंट में बहुत प्रॉब्लम लगता है ये गलत है हाँ। हाँ। क्योंकि टैक्स तो आप पैसा दे देते हो ना लेकिन यहाँ पे आप कंपनी को बोल रहे हो तुम करो भी और यही नहीं कि करो ये भी देखो कि पैसा ठीक से खर्च हो रहा है भाई मैं अपना काम करूँ कि स्कूल कॉलेज ठीक से चलाऊ ठीक हाँ, हाँ, है और हाँ, अगर आपको लगता है कि सरकार को पैसे चाहिए तो नहीं है कि सरकार सत्ताईस ले, ले लो यार झगड़ा नहीं करेंगे हाँ तो ये मुझे आर्ग्यूमेंट बहुत अगर और सबसे बड़ी बात है सौरभ कि आप ये देखिए आप तो बिजनेस चलाते हैं आपको भी पता होगा कि एक आप नया हथकंडा दे रहे हैं सरकार के हाथों में ऐसे लॉज बना के फिर से गला मरोड़े हैं हाँ कल से आपने और कुछ किया सरकार से आपकी बनी नहीं तो वो बोलेंगे सीएसआर में आपका प्रॉब्लम था तो आपको और अरेस्ट कर लेंगे मतलब आप और लॉ करेंगे भी करो आपको बेसिकली चार नोटिस ही मिल जाए जिनके जवाब देना हो तो दिमाग खराब तो होता ही है ना हाँ बिल्कुल तो आप एक नया लॉ क्यों बनाना चाहते हो अगर आपको आपको चाहिए कि सर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कॉर्पोरेट पैसा दे सरकार को या कुछ भी वेलफेयर के लिए तो आप टैक्स से ले सकते हैं वो और ये टैक्स से मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये टैक्स से काफी आ, काफी खराब है वर्स ऑफ कर देगा हमको ठीक है तो एक ये भी है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे हर टैक्स मैकेनिज्म के लिए तीन तरीके की लागत होती है तीन कॉस्ट होती है एक कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मतलब आप कोई भी टैक्स लगाओगे कलेक्शन करने के लिए तो आपको एक कीमत लगेगी फिर दूसरा रहता है कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस आप लोगों को इंश्योर करना है कि लोग एक्चुअली लॉ को कंप्लाई करें है ना और तीसरा कॉस्ट ऑफ मार्केट डिस्टॉर्शन क्योंकि आप कोई भी टैक्स से मार्केट की जो इक्विलिब्रियम है उसको तो खराब कर ही रहे हो तो जब कोई भी आप टैक्स डिजाइन करते हो तो आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि ये तीनों कॉस्ट कम से कम रहे जिससे कि आप और, कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको मिलना चाहिए मिलना चाहिए, चाहिए। उद्देश्य तो ये होना चाहिए पर इसमें आप देखेंगे इस जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर जो सी एस आर है इसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस कितना ज्यादा है बिल्कुल हुँ. आपको ना ही ना ही आपको ये करना है इम्पैक्ट मॉनिटरिंग करना है वगैरह वगैरह तो कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस बहुत ज्यादा हो गया ऐसा करना तो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव है और बेहतर होगा कि आप टैक्स ही लगा दो उसके लिए ठीक है बिल्कुल अगर वैसे जोड़ा जाए ना हमारी पहली डिस्कशन ये डिस्कशन मतलब अजीब सा है सरकार बोलती है आपका काम मैं करना चाहता हूँ मेरा काम आप करो हाँ ठीक <laughs> है मुझे एयरलाइन उड़ानी है लेकिन स्कूल आप आप चलाओ हाँ, तो इसी इसी इसे जुड़ा हुआ सौरभ एक और आर्ग्यूमेंट है ठीक है तो एक दूसरा आर्ग्यूमेंट है देखो भाई मैंने तो आ, आ, मेरे गांव में देखा है सीएसआर की वजह से कितने ही स्कूल चल रहे हैं लोगों को पानी मिला है जो पहले नहीं मिल रहा था कितने ही सारे जो लेक्स हैं वो मेंटेन हो रही है तो तुम क्यों बोल रहे हो कि ये खराब हो जाए तो इसमें आपको Uh, क्या प्रॉब्लम लगता है हाँ, तो है 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 इस आर्गुमेंट तो कि कि सी बात है कि अभी तक जो दिख रहा है, लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं हुँ. और उसमें मुझे लगता है कि कंपनीज के अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं करने के देखो अभी सरकार का अलग ऑब्जेक्टिव है हुँ. सरकार इवन ये भी बोलती है आप यही काम कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकते एरियाज कहाँ खर्च कर सकते हैं कंपनी भी करती है सीएसआर ऐसा नहीं और ये सीएसआर का कॉन्सेप्ट तो कंपनी से आया है क्योंकि कंपनी पहले से कर रही थी पर हर कंपनी नहीं करती एक तो कंपनी का मन है तो करे काफी बार कंपनी इसलिए करती है क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए ठीक है क्योंकि उनके एम्प्लॉयज को अच्छा लगता है कि भाई काम के अलावा हम और भी कुछ कर रहे हैं तो ठीक है तो जितना वो लेकिन कंपनी अपने लेवल पे डिसाइड कर लेगी कि हमारे लेवल पे कितना लेवल ठीक है हमारे लिए कितना कितना हम हम मोटिवेशन के के लिए लिए कर कर रहे हैं ब्रांडिंग जैसे लेक अच्छा उन्होंने किया ऊपर एक बोर्ड लग गया तो उनके एक तरीके की सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हो जाती है है ना तो सी एस आर करने के कंपनी के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं सरकार का वो एक भी उद्देश्य नहीं है ठीक हाँ। है तो सरकार तो जो चीजें अच्छी हो रही हैं लोगों के लिए वो अच्छी बात है वो लेकिन तभी होंगी अगर कंपनीज एक तो अपने मन से करें एक बार जब उनसे जबरदस्ती करवाओगे तो एक तो वो करने के लायक भी हैं कि नहीं पता नहीं आपको एक तो ठीक है और दूसरा जैसा अभी हमने देखा है रिसेंटली मतलब सीएसआर का पैसा अभी जैसे कोविड आया तो उन्होंने बोला अब सारा हमको पीएम केयर में दे दो ठीक है कौन कौन मना कर सकता है जब इस तरीके का आदेश आ जाए ठीक है जब वो टैक्स में जा रहा होता तो आपको भारत के सरकार के फंड से लेना पड़ता है ना फिर लेकिन अभी वो एक तरीके की ऑफ बैलेंस शीट अकाउंटिंग हो जाती है भाई का सीएसआर फंड है और मुझे लगता है कि ओवरऑल तो यही है ज्यादातर ये एक पॉलिटिकल हथखंडा हो जाता है एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम को हैंडल करने का कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन किसी एरिया में जाके किसी कंपनी को धमका सकता है चलो अपने सीएसआर फंड से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कराओ वो कराओ अरे भाई आप सरकार पे प्रेशर डालो करवाने के लिए कि आप उस पर डालोगे प्रेशर डालने के लिए बिल्कुल तो इसका सौरभ डेटा है अपने पास तो वो डिस्कस करते एक पेपर लिखा है मैं लिंक करूंगा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि ये 2014 में कंपलसरी सीएसआर आने के बाद क्या नतीजे हुए ठीक है तो ये रिजल्ट आए हैं उसके ऊपर एक तो उन्होंने देखा कि 2014 के बाद थोड़ी बढ़ोतरी तो हुई है टोटल नंबर्स में तो जैसे सी के लिए जितना कंपनीज uh, uh, दे देती थी, थी उससे थोड़ा बड़ा है तो अभी टोटल 18,000 करोड़ मिल रहा है सी में हर साल हाँ साइज के नाते से देख लीजिए जो सेस uh, कौन सा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वही बीस करोड़ है सरकार ठीक है तो इतना सब मिला के मेहनत करके सिर्फ आठारा आठारा करोड़ आठारा। है, थीक है? थीक है। मतलब एक एनआरई जी है कम से कम अस्सी हजार करोड़ का बजट है तो कितना छोटा है टोटल सीएसआ ठीक है वो आप इग्नोर कर दें फिर भी तो थोड़ी बढ़ोतरी तो हुई है टोटल नंबर्स में पिछले पांच सालों में लेकिन ये इंटरेस्टिंग हुआ है जो पहले ज्यादा सीएसआर कर रहे थे 2013 से पहले जो पांच प्रतिशत दे रहे थे छह प्रतिशत अपने मुनाफे का दे रहे थे उन्होंने कम कर दिया दो प्रतिशत तक का कर दिया hmm. ठीक है hmm. और जो बिल्कुल नहीं दे रहे थे उन्होंने दो प्रतिशत किया क्योंकि तो जो छोटे हाँ। तो तो कि मुनाफे वाली कम, जैसे हमारी तो छोटी कंपनी थी हम भी कुछ ना कुछ करते थे लेकिन सब अपनी मर्जी से कर रहे हो तो ठीक है एक बार लॉ आ जाए ना तो कोई बोलेगा आपको तो करने की जरूरत नहीं है क्यों कर रहे हो बिल्कुल हाँ, ये रिजल्ट तो आया है हाँ. है ना तो जो कोई छोटी कंपनी होगी उसको दस लोग डंडा मारने वाले होंगे उसके ऊपर कि तुमको किसने बोला तुम मत करो हम्म ठीक है बिल्कुल तो वो हुआ उन्होंने हुँ. भी पेपर में यही शोध किया तो दूसरा उन्होंने ये पता किया सौरभ कि एक तो लोगों ने ये जो कंपलसरी सीएसआर था उसको फिर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लोग क्या करेंगे खुद के ट्रस्ट बना लिए ट्रस्ट में अपने ही ट्रस्ट में पैसा दे दिया फिर जैसे आप बोल रहे थे कि पीएसयू बहुत सीएसआर और ये सब चलाते हैं ना तो जैसे एक रिजल्ट आया कि आ, आ, कुछ पेट्रोलियम कंपनीज मुझे नाम नहीं पता कौन सी उन लोगों ने बहुत सारा पैसा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए दिया है सीएसआर के अंतर्गत तो मतलब आप कह सकते हैं ये कोई सी एस आर है क्या ठीक है तो उस तरीके से हुआ और एक रिजल्ट उन्होंने ये भी देखा कि प्रॉफिट कम होते ही सी एस आर की जो मतलब सीएसआर में जितना पैसा डालते हैं वो एकदम जल्दी से घट जाता है ठीक है लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो इतनी ज्यादा रेट से सीएसआर नहीं बढ़ता ठीक है तो अगर आपकी आय खुद की आय कम हो गई तो लोग झट से सी एस आर देना बंद तो कर पहला, जाए पहला पैसा है लॉ को जितना लॉ में यही है कि मुनाफा जितना है उसका टू परसेंट देना तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं रहती लोगों की फिर है ना हुँ, सिर्फ लॉ को उनको मीट करना है के लिए कर रहे हैं हाँ जबकि जब वो अपनी मर्जी से करते हैं तो एक इमोशनल कमिटमेंट रहता है कि यार हमने इस पे अपनी जुबान दी है हम करना चाहते हैं हाँ हाँ। अभी तो वो सभी को पता है लेने वाले को भी पता है पैसा और देने वाले को भी पता है कि देखो हम भाई कर रहे हैं खाना पूर्ति और जबरदस्ती के लिए हमारी इच्छा विच्छा नहीं थी हाँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट था और अब आप इसके रूल्स को और टाइट करने से आपको अगर लगता है कि लोग बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे वापस तो क्या तो, हो जाएगा जाए आ, ये तो व्यर्थ है सोचना ऐसा ठीक है और दूसरा मैंने इसी आर्ग्यूमेंट के कि लोग बोल रहे हैं कि ठीक हो देखो सरकार ने इतनी सारी चीजें मतलब इन सी के तहत इतनी सारी चीजें हुई तो मैं यही कहता हूं कि हर पब्लिक पॉलिसी का कितनी भी खराब पब्लिक पॉलिसी हो उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स तो जरूर हो मतलब आप कुछ भी करो क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कोई भी पब्लिक पॉलिसी में आप एक चीज चेंज करो कितना मतलब आप सब लोगों को मार दो कोई ऐसी पॉलिसी लाओ उसमें भी फायदे यही होंगे कि देखो आ, लोग सब, कम, हो कम हो गया पोल्यूशन कम हो गया <laughs> जैसे कोविड के बारे में लोगों ने कहा देखो कोविड हाँ, की वजह से हम लोगों को गाजियाबाद से दिख रहा है हिमालय ऐसा हाँ, कुछ हाँ, तो वाह वाह पॉल्यूशन कम हो गया पर का ये तो मतलब ये तो नहीं, नहीं है ना? कि आपको कोविड चाहिए ना हर साल हाँ. तो ये मुझे आर्ग्यूमेंट बहुत ही खराब लगता है कि आपको अगर कोई भी पॉलिसी को देखना है तो उसके आपको लागत भी देखनी है और फायदे भी देखने और फिर कंपैरिजन करना आप सिर्फ दो तीन फायदे गिना के नहीं बोल सकते कि ये बहुत अच्छी बात अच्छा है ठीक है।, है तो ये एक आ, आर्गुमेंट है और मैंने कहा ही कि 18000 करोड़ है यार कुछ भी नहीं है आप एक्सेस लगा के उतना कलेक्ट कर सकते थे ठीक है तो फिर तीसरी आर्गुमेंट अब तीसरी आर्गुमेंट ये है सौरभ लोग ये उन लोग वो लोग बोल रहे हैं जो जिन लोगों को सरकार से घृणा है एकदम तो वो बोल रहे हैं कि देखो कि कंपनी अगर इन सब चीजों पे पैसा खर्चा करे तो वो बहुत एफिशिएंट होगी और जो सरकार है वो तो गई गुजरी है ही तो सरकार को क्यों करे उससे अच्छा ये है कि सीएसआर में कंपनीज करे और वो एफिशिएंटली ये चीजें और ऑब्जेक्टिव अपने

आज टॉयलेट बनाया कल खराब हो जाएगा भगवान मालिक हाँ पर अब वो लोग बोलेंगे आपको कि आपको इम्पैक्ट एवलुएशन भी करना है तो उससे हाँ, वो लोगों हाँ, को लग रहा है कि आपको और आप तो, डंडा होगा तो आप और ठीक से करेंगे काम ऐसा हाँ हाँ वो मतलब ठीक है मतलब तो दे, अभी आप, अभी अभी तीन साल बाद पता चलेगा हाँ तो ये तो उसमें भी देखा सौरभ मैंने मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी कि सरकार के लोग क्या बोल रहे हैं तो ऐसे आर्ग्यूमेंट का रीजनिंग ऐसे दे रहे हैं लोग कि देखो भारत में बहुत सारी असमानता है असमानता है और सरकार खुद से ये बोझा नहीं उठा सकती तो हमको मल्टी स्टेक होल्डर्स अप्रोच चाहिए तो हम लोगों को चाहिए कि कॉर्पोरेट सोसाइटी सब मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करें तो इसीलिए हम सीएसआर में और टफ कर रहे हैं तो मुझे यही लगता है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि मैं आपके सब काम करूं या hmm. आप मेरे सब काम करो ये तो फेलियर की तरफ जा रहे हैं अगर hmm. हम लोग सबका काम hmm. सबको ही करने लगे मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच का मतलब यही होगा कि जो आप करने में सक्षम है वो अपनी सक्षमता के तहत सबसे बेहतर करें hmm. और मैं जो कर सकता हूं वो बेहतर करें और इस, इस तरीके से हम सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं हाँ, नहीं और जो भी हम काम करते हैं उनमें साझेदारी बढ़ाएं साझेदारी का ये मतलब थोड़ी होता है कि जवाबदेही हटा दें हाँ। साझेदारी और जवाबदेही में फर्क है ना तो जवाबदेही किसकी होनी चाहिए और आपने तो बेसिकली बोला कि भाई मैं आपके ऊपर डंडा मार दूंगा साझेदारी का ये मतलब होता है कि भाई अगर मैं आपके एरिया में क्लीन मैं स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाऊंगा कि जैसे मैं ऐसा बोलू अगर साझेदारी बढ़ानी है कि भाई आपका टैक्स आपके लोकल एरिया में खर्च होगा अगर सरकार को बहुत ज्यादा इतने ग्रैंड ऑब्जेक्टिव साझेदारी की तो ऐसे करे ना सारा पैसा दिल्ली लेके मत जाओ ठीक हाँ। है बोलो कि भाई आपके सर आपके टैक्स का दो परसेंट आपकी म्यूनसिपैलिटी को जाएगा है ना दो परसेंट आधा परसेंट भी दे दो देखो हिंदुस्तान में कितना फर्क आ जाएगा तो अपने आप साझेदारी बढ़ जाएगी ना सबकी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल थीके? तो ये साझेदारी बढ़ाने के तरीके हैं लेकिन ये अदरवाइज तो बोल बच्चन हाँ, नहीं तो ये वापस वही प्रॉब्लम हो गया सौरभ बहुमक तरीका हाँ। हो गया कि कंपनी है कंपनी को ये भी करना है हाँ। प्रॉफिट भी कमाना है शेयर होल्डर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन बेसिकली पीएसयू बाय अदर मीन हो गया है ना तो प्राइवेट हाँ। कंपनी को भी हम अपने कंट्रोल में ला देंगे कि तुमसे भी सब कुछ करा देंगे तो हम पीएसयू खत्म करने की एक तरफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी को पीएसयू बना देंगे हाँ और फिर सरकार बोलेगी अगर कुछ नहीं होगा ठीक से तो सरकार बोलेगी देखो मैं खुद से स्टेक होल्डर थोड़ी ना हूँ हाँ, तो मार्केट हाँ, भी है सोसाइटी भी है उनको सॉल्व करना चाहिए मैं एजुकेशन या हेल्थ नहीं प्रोवाइड क्या क्या करूंगा हाँ, तो हाँ, ये तो मुझे यही लगता है कि हम अगर हम लोगों को लगता है कि कंपनी हमारे गवर्नमेंट फेलियर्स को सुधार सकते हैं तो हम लोग बहुत गलत सोच रहे हैं सरकार को हम लोगों को अकाउंटेबल रखना है जो काम सरकार से हम अपेक्षा करते हैं उसे करना ही है और हम लोगों को सरकार को सक्षम और तत्पर बनाना है उसके लिए अगर ये अगर नहीं अः हमसे नहीं हो रहा है तो हमको बोलना बोला चलो फिर तुमको क्लास में ले जाते हैं सिखाने के लिए अभी नहीं हो रहा है तुमसे तो ये क्या मतलब है हाँ मतलब उनके पास कोई चारा नहीं है अभी करना ही है ना देश चलाना तुम्हारा काम है उसी के लिए तुमको दिया अदरवाइज भागो यहाँ से हाँ और किसी को लाओ पावर में हाँ तो वही मुझे लगता है कि एक ये आर्ग्यूमेंट में भी कोई दम नहीं है तो ठीक है अब अब ये बात तो हुई है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा और टफ हुआ है इसमें एक अच्छी चीज मैं बोलूंगा इतनी आलोचना कर दी तो एक अच्छी चीज है कि पिछले लॉ में सरकार ने कुछ एरियाज डिटरमिन किए थे कि इनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो वो सी माना जाएगा अब सरकार ने उसको एक नेगेटिव लिस्ट बना दिया है तो उन्होंने सिर्फ बताया कि ये कुछ एरियाज है जिनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो उसे हम नहीं मानेंगे ऐसे एडवरटाइजिंग वगैरह में करोगे तो हम नहीं मानेंगे है। बाकी स्कोप आपका थोड़ा बढ़ गया है चलिए अच्छी बात है ये हम्म वरना अभी जो है लोग अक्सर जाते थे क्योंकि उनको पता था कि पैसा अवेलेबल है तो हमेशा वो एक रूल बुक ढूंढना पड़ता था कि भाई आप इसमें फिट हो रहे हैं कि नहीं हो हाँ. रहे हैं। और हर कोई अपना स्कूल चला रहा है मतलब क्योंकि पता है कि स्कूल एकदम फिट होता है उसमें हाँ, जबकि हाँ। आपको चाहिए होगा कि जो उदारता है या दरिया दिली है या ये उन चीजों में जाए जिनमें आप कनेक्टेड हो जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि मुझे आर्ट्स बेहतर करने हैं या आर्ट गैलरी होनी चाहिए तो उन्हें करते आना चाहिए उसमें या फिर मुझे लगता है कि लाइब्रेरिया होनी चाहिए हर गांव में तो मैं उसमें पैसा डालते आना चाहिए लेकिन क्योंकि सरकार ने ऐसा एक तीन चार या दस एरियाज दिए थे तो लोग सेफ प्ले कर रहे थे और उसी में पैसा डाल रहे थे कुछ तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट भी किया ठीक <laughs> है लेकिन ओवरऑल ये खत्म होना चाहिए लॉ मेरे मैं तो उसी समय बोला था यूपीए की सरकार ने किया था उम्मीद थी कि वो सरकार हट गई तो ये सरकार ने और कड़क बना दिया है रूल हुँ. तो मतलब क्या करें ठीक है सौरभ तो आ, हम लोगों ने इस बार एक आ, कुछ भी पूछो में यही सवाल ले लिया कंपलसरी फिलेंथ्रोपी का ट्विटर पे एक लिसनर ने पूछा था कि हम लोगों को इफेक्टिव ऑल्टूरिज्म वगैरह पे चर्चा करनी चाहिए तो यही हमारा इस बार का केवीपी था आ, और इसी के साथ ये बाई टू खत्म करते हैं फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते